बुद्धा मैं करण बुद्ध और आप देख रहे हैं बुद्ध नाइट चैनल। आज हम बात करेंगे मनुष्य के तीन प्रकार के सामर्थ्य होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं इसके बारे में। बाबा साहब कहते हैं कि पहला मनुष्य बल, धन बल, मानसिक बल, इनमें से कौन सा बल आपके पास है और आपको क्या लगता है मनुष्य बल की दृष्टि से आप लोग अल्पसंख्यक हैं? यह बात एकदम स्पष्ट है। मुंबई में अछूत वर्ण की जनसंख्या 1.8 है, परंतु वह संगठित नहीं है। आपसी जात भेद के कारण संघ शक्ति का अभाव है। वह संगठित तो नहीं है, किंतु वो एकत्र भी नहीं रहते हैं। सब गांव-गांव में बिखरे हुए हैं। इसी कारण जो भी थोड़ी संख्या है उसका अत्याचार, अन्याय एवं सोपीड़ित अछूत वर्ण की बस्ती को किसी तरह का लाभ नहीं होता है। दूसरा, बाबा साहब कहते हैं कि धन बल की दृष्टि से भी आपकी हालत बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है। या सत्य है, आप लोगों का कोई व्यापार नहीं है, धंधा नहीं है, नौकरी नहीं है, खेती नहीं है। उच्च वर्ण के लोग जो जूठा बासी देंगे, आप सब की जीविका उसी पर चलती है। आपके पास अनाज नहीं है। आप में से हजारों लोग न्यायालय का खर्च वहन नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण हिंदू की ओर से आने वाली तकलीफ, अपमान और जुर्म का चुपचाप सहन करते रहना पड़ता है। बाबा साहब तीसरा कहते हैं, तीसरा कौन सा है? बाबा साहब कहते हैं कि मानसिक बल की भी कमी है। सैकड़ों वर्षों से उनके द्वारा हो रहे अपमान, छुआछूत को चुपचाप सहन करते आ रहे हो, जिसके कारण आपके अंदर प्रतिकार करने की आदत व हिम्मत नष्ट हो गई है। आप लोगों के स्वविश्वास, उत्साह व महत्वाकांक्षा का नाश हो गया है। आप मायूस, दीनहीन तथा निस्तेज बन चुके हो। निराश व नामर्दी का वातावरण सर्वदा फैला हुआ है। हम कुछ भी कर सकते हैं, इस प्रकार का विचार किसी के मन में नहीं आता है। ये बात बाबा साहब ने, जो बाबा साहब की किताब है मुक्ति कौन पथे में बाबा साहब ने लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। आपको जानकारी कैसी लगी इसके बारे में आप हमें जरूर कमेंट करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।